खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो विधानसभा के अध्यक्ष आए हैं वो अपनी राय और सुझाव देंगे। वहीं विधानसभा के अध्यक्षों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि वोटर लिस्ट को कैसे सुधारना है। अगर सरकार और भाजपा मिलकर के लिस्ट में से नाम काट देंगे तो इसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। आज बिजली महंगी है, हमारे किसानों को अपना खेत बचाना पड़ रहा है तार लगा करके, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं है। इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाने की बात तो कही, समाजवादी सरकार में जिन मेडिकल कॉलेजों को बनाया गया था वो भी आज मेडिकल कॉलेज नहीं चलाए जा रहे हैं। उसमें न डॉक्टर हैं, न दवाई है, न इंतज़ाम है, न इलाज है। बिजली महंगी हो गई है, जो कारखाने लगे थे बिजली के वो भी सरकार अभी तक पूरी तरीके से नहीं चला पाई है। और इतनी लूट कभी किसी ने नहीं देखी होगी, जितनी बड़े पैमाने पे लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन न कब्जा कर रहे हों या भूमाफिया की तरह काम न कर रहे हों। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों पर दबाव बना रहे हैं, लोगों पर तरह तरह के धमका करके उनसे जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के, जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, कस्टोडियल डेथ बढ़ी है। उसके बाद ये सरकार जीरो टॉलरेंस बोलती है कानून व्यवस्था को लेकर के, आए दिन घटना हो रही है। और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर्स, अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं करप्शन के लिए, और पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम करता रहा और दबाव बनाता रहा। इसलिए अब वोटर लिस्ट जो 22 जनवरी को प्रकाशित होने जा रही है, उसमें जो हमारा वोट कट गया है या जो बढ़ने से छूट गया है, उसकी तैयारी विधानसभा स्तर पे भी और पार्टी के सभी पदाधिकारी और जो चुनाव लड़े हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे कोई भी वोट छूट न जाए और वोटर वोट डालने के दिन किस तरीके से इंतज़ाम किया जाए जिससे समाजवादी पार्टी का पूरा वोट पड़ जाए, ये चर्चा हुई है। साथ ही में किसान की आय दोगुनी कब होगी, बीजेपी ने पूरे देश के किसानों को सपना दिखाया किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। जो लोग कहते थे कि घर घर में बैठे लोग, उन्हीं का नारा लगा रहे हैं आज, इनकी गलत नीतियों के कारण हर घर में बेरोजगार नौजवान बैठा है, महंगाई चरम सीमा पर है। और याद रखिए, महंगाई मुनाफे के लिए अगर है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता है। निवेश के जो सपने दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश में 40,00,000 करोड़ का निवेश आएगा, उत्तर प्रदेश में कितना निवेश पहुंचा है और उस निवेश से कितनी नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। और अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश सरकार में, जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यहाँ पर निवेश करेंगे, आज वही उद्योगपति दूसरे प्रदेशों में निवेश कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में निवेश का संकल्प ले रहे हैं, तो बताइए उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा। इन तमाम सवालों को लेकर के चर्चा हो रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलकर के, विधानसभा के अध्यक्ष जो यहाँ पर बैठे हैं, ये सभी मिलकर के समाजवादी पार्टी को समय भी देंगे, अच्छे कार्यकर्ताओं से काम लेकर के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। आज बिजली महंगी